विटामिन डी बियॉन्ड द सन। आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीज़ें। और हकीकत में यह है, विटामिन डी एक एसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये एक विटामिन नहीं है, मगर ये एक हार्मोन भी कंसिडर की जाती है। बेसिकली विटामिन डी के तीन टाइप्स हैं, D1, D2 एंड D3। लेकिन D1 जो है ये कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म नहीं है और कोई डिस्टिंक्ट भी नहीं है और बायोलॉजिकली एक्टिव फार्म भी नहीं है। मगर जो मेन फार्म्स हैं विटामिन डी के, D2 और D3 हैं। जो D2 विटामिन है इसको एर्गोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है और ये प्लांट सोर्सेज में होता है, जिसमें जैसे मशरूम्स में देखा जाता है, ड्राइड फिग्स है, ड्राइड एप्रिकॉट्स है, आलमंड्स है, रेजन्स है, ऑरेंज वगैरह या ऑरेंज जूसेस वगैरह में होता है। विटामिन D3 जो है इसको कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये सिकंद में सिंथेसाइज होता है सन की लाइट से, जो अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं। एक एनिमल बेस्ड फूड्स में भी ये मिलता है, जैसे फैटी फिश है और कश्मीर में तकरीबन एक फिश है जिसको ट्राउट फिश बोलते हैं, उसमें होता है, अंडे में होता है, अंडे की जर्दी में, एग जॉक जिसमें रेड मीट में है। इस तरीके से आपको स्पेशली लीवर, योगर्ट यानी दही है, पनीर है और बटर वगैरह में, लेकिन कुछ लिमिटेड अमाउंट में ये होता है। मगर विटामिन डी जब डिफिशेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उस सूरत में आपको डाइट एलोन ओवरकम नहीं कर सकती है, उस सूरत में आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, नैनो शॉट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, सैचेट्स वगैरह होते हैं। फिर मैं बताऊंगा जो मेन फार्म या मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी जो है वो सनलाइट है। मगर बहुत सारी सनलाइट जब हम पे पड़ती है, सन का एक्सपोजर जब हो जाता है, तो वहां पे सन बर्न्स हो सकती है, फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है और कई लोगों को तो रिंकल्स पड़ जाते हैं, और इस तरीके से रिस्क ऑफ स्किन कैंसर भी सनलाइट से हो सकता है अगर हम एक लिमिट से ज्यादा सनलाइट में बैठेंगे। मगर बहुत सारे लोग सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सनस्क्रीन से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और विटामिन D3 मिलेगा नहीं। विटामिन डी जो है एक नेसेसरी होता है किसके लिए, कैल्शियम को अंतड़ियों से, गट से अब्जॉर्ब करने के लिए, एडिक्वेट सीरम कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए, फास्फेट कंसेंट्रेशन के लिए, और ये नेसेसरी है बोन्स की ग्रोथ के लिए, रीमॉडलिंग। विटामिन डी मॉड्यूलेट्स सेल ग्रोथ, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। विटामिन डी इज नीडेड फॉर न्यूरोमस्कुलर एंड इम्यून फंक्शंस। विटामिन डी एक्ट्स एज एन एंटी इन्फेक्ट। आप अक्सर देखेंगे विंटर्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ज्यादा होती हैं। मैं ज्यादा एट्रीब्यूट करूंगा विटामिन डी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ। विटामिन डी स्लीप रेगुलेशन के लिए भी काम आता है। सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी जो है तकरीबन हर आदमी में डिफरेंट प्रेजेंटेशन होगी, क्लासिकल प्रेजेंटेशन किसी में नहीं हो सकती है। सिम्टम्स तकरीबन ज्यादा उन लोगों में होगा जो इनडोर रहते हैं, जहां सन एक्सपोजर कम होता है, खासकर विंटर्स में। कुछ लोग मैक्सिमम इनडोर रहते हैं, तो उस सूरत में जब आउटडोर एक्टिविटीज कम होती है, अगर ऊपर से सन एक्सपोजर भी कम होगा, तो वाकई सनशाइन विटामिन जो आपको कम मिलेगा। विटामिन डी डिफिशेंसी के कुछ सिम्टम्स हैं, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन जैसा हो जाना और कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी हो जाना, बार बार इन्फेक्शंस हो जाना क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, फैटीग है, थकावट हो जाना, बोन्स में, हड्डियों में दर्द वगैरह, मसल वीकनेस या मसल पेन्स होना, और प्रिकिंग सेंसेशंस वगैरह तकरीबन उंगलियों पे लगना। इस तरीके से जब आप चलते हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन, मसल मस्कुलोस्केलेटल कोऑर्डिनेशन तकरीबन उसमें इफेक्ट हो जाता है, बार बार फ्रैक्चर होने के खतरे हो सकते हैं, खासकर बच्चों में बो लेग्स हो जाना यानी कि रिकट्स बोला जाता है, और एल्डरली में तकरीबन ऑस्टियोमलेशिया होता है जिनको एक सॉफ्ट बोन डिजीज हो जाती है क्योंकि उनमें मिनरलाइजेशन कम हो जाती है। आइडियल डोसेज जो विटामिन डी की है तकरीबन, वो एल्डरली में थोड़ा ज्यादा उनकी जरूरत पड़ती है, जब छोटे बच्चे होते हैं 0 to 1 year तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स की जरूरत होती है, 1 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स
की रिक्वायरमेंट पर डे होती है। अक्सर ये पूछा जाता है, डॉक्टर साहब मैं विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं या नैनो शॉट्स हैं मैं कब लूं? बिल्कुल ये क्वेश्चन जेन्युइन होता है। विटामिन डी चूंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जब भी आप फैटी मील खाओगे, जैसे मैंने बोला विटामिन डी फैटी फिश में होता है, जब भी आप फैटी मील खाओगे तो उसके साथ साथ ही आपको वीकली ये इसकी डोजेज ले लेनी चाहिए, आपका जो डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसी के मुताबिक। इससे 30-50% से ज़्यादा मेडिसिन का यानी कि विटामिन डी का जो नैनो शॉर्ट फॉर्म है एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है विटामिन डी के बारे में आपने काफ़ी जानकारी हासिल की होगी और ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। विद सिमिलर वीडियोज़ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। टिल नेक्स्ट ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।